नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। पटना में आज भाकपा माले का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश भाजपा सरकार द्वारा सफाई मजदूर को आउटसोर्स के तहत काम लेने का निर्णय सफाई मजदूर की रोजी रोटी और आजीविका के अधिकार पर सीधा हमला है। नीतीश सरकार बिहार के सफाई मजदूरों को निजी मालिक का गुलाम बना देना चाहती है। रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन पूरे राज्य में अभी भी आंदोलन जारी है, क्योंकि जो मूल मांग है उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जो 1 फरवरी से तमाम लोगों की नौकरी खत्म होने वाली थी, उसको 2 महीना बढ़ा करके अब 1 अप्रैल से वो खत्म करें, लेकिन नौकरी खत्म कर दें, ये फैसला बहुत ही अन्यायपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि लोगों की रोजी रोटी खत्म की जा रही है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अभी पेपर में आज आया कि जो आरक्षण में जो प्रोन्नति में जो आरक्षण का मामला था, उसको भी देखिए कि खत्म किया जा रहा है। और फिर हम देख ही रहे हैं कि गरीबों की नागरिकता पर भी कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, और इसके खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है। और इस लड़ाई को भाकपा माले हमारी पार्टी पूरी ताकत से लड़ा के समर्थन में है। और ये आंदोलन की मांग जो सफाई मजदूरों की है, सरकार मांगती नहीं है, ये आंदोलन जारी रहेगा, हमारी पार्टी इनके पक्ष में खड़ी है। सर, प्रोन्नति में आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। फैसले ऐसे ही थोड़ी होते हैं, बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही थोड़ी कर ले रहते हैं। अभी तो तमाम संस्थाओं पर भाजपाइयों का, संघियों का कब्जा हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, सरकार ने को फिर से अध्यादेश ला करके उसको खारिज करना पड़ा। ये पूरा माहौल ही बना हुआ है देश में, समाज भाजपा का कब्जा है क्या? एकदम पूरी संस्था पर भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया है। बार बार हजार बार साबित हो रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसा लिया है, तो इससे ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अध्यादेश लावे और इस मामले में जो आरक्षण में जो प्रोन्नति में जो आरक्षण है इसको बहाल करे। अगर प्रोन्नति में आरक्षण खत्म करने का साफ मतलब है कि कोई कमजोर वर्ग का आदमी किसी ऊंचे पद पर नहीं जा सकता, ऊंचे पद पर जाने का रास्ता भी बंद कर रहे हैं, और ग्रुप डी में जहां वो बहुसंख्यक काम करते हैं उनकी नौकरी अब खत्म कर रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब काम किए रहेंगे उन्हें नियमित किया जाएगा। और यह सर्कुलर बराबर यह निकलते रहा, लेकिन नगर विकास विभाग ने कभी भी इस पर कार्रवाई नहीं की, जबकि हम लोग लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहे, आग्रह करते रहे, लेकिन नगर विकास विभाग ने कहीं इसकी सुनवाई नहीं की। और आश्चर्य है कि यह 1983 से भी अभी मास्टर रोल बहुत जगहों पर हैं और संविदा पर, लेकिन उन तमाम लोगों के बारे में सरकार ने कभी निर्णय नहीं लिया। और साथ ही साथ परमानेंट कर्मचारियों के बारे में भी नगर विकास विभाग का यही रुख रहा है। और जो सफाई मजदूर इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम लोग तो अजीब लग रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री सफाई मजदूर की पाँव पखार रहे हैं और दूसरे तरफ यह सफाई मजदूरों की सेवा समाप्त करके यह ठेकेदारों के हाथ में देकर यह उनका शोषण करना जारी रखी है। और हमारे बिहार में पता नहीं क्या स्थिति है नीतीश कुमार जी की, कि हमारे यहाँ 6 भाजपा के विधायक हमारे यहाँ नगर विकास विभाग के मंत्री रहे हैं, और इन 6 मंत्रियों ने लगातार कुछ समस्याओं के समाधान करने के बजाय अभी वह सफाई मजदूरों को भी हटाने के यह फैसला उन्होंने ले लिया है। चर्चा हुई है 1 फरवरी और 1 अप्रैल की, उस आदेश को ये वापस न करके मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पटना में महापौर ने भी वह किसी न किसी ढंग से सुरेश शर्मा जी की मदद करने के लिए यह एक ऐलान कर दिया कि हम यहाँ के कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, जबकि यह परमानेंट करने का, स्थायी पद सृजन करने का अधिकार सरकार को है। वह बिना स्थायी पद का कोई परमानेंट कर नहीं सकता है, न तो बोर्ड कर सकता है और न तो वह निकाय कोई भी। तो इस ढंग से एक भ्रम पैदा करने के लिए, मजदूरों के आंदोलन को तोड़ने के लिए यहाँ की महापौर ने काफ़ी जी जान लगाकर कि हम अपने यहाँ परमानेंट कर देंगे, हम आपको